सूर्य कुमार यादव ने आज भी एक बेहतरीन इनिंग खेली। लाइक पता नहीं कोई 360 डिग्री प्लेयर होता है, तो कोई 720 डिग्री प्लेयर है यानी कि उस लड़के को अपने गेम का पता है। राइट, उसने जितनी भी शॉटें मारता है वो ज्यादातर अच्छी बॉलों पे भी शॉट मार देता है, क्योंकि उस चीज की उसने प्रैक्टिस की है। उसको पता है कि मुझे मैच में ये बॉलें भी आनी है। तो इस तरह 100 रन से ऊपर की करारी, इसे कहते हैं भाई करारी शिकस्त। T20 में आप कंपेटिटिव साइड को उसके घर में घुसकर हारने के बाद आप 100 प्लस से हराए, एपिक विक्ट्री, मतलब व्हाट अ फैंटास्टिक। आप देखिए इस जीत में करेक्टर पता चला आपको सूर्या के लड़कों का। पहले कुलदीप यादव का तो कुछ कर ले ना, उसको वर्ल्ड कप में कोई खेला था ना, उसको कोई एशिया कप में खेला है और ना उसको कोई आज खेला है, और 5 विकेटें ले गया वो 17 रन दे के 5 विकेट ले गया अगला भाई। सूर्या तो है T20 का बादशाह यार, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो गुड विन बाय इंडिया एंड द फैक्ट दैट दे बीट ऑस्ट्रेलिया 4-1 एंड दे हैव नाउ मतलब लेवल्ड द सीरीज, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। वाओ भाई, कांग्रेचुलेशन, व्हाट अ कमबैक फ्रॉम हिंदुस्तान भाई, क्या जबरदस्त कमबैक किया है स्पेशली कुलदीप यादव ने भाई। बैक टू बैक जो विकेट गिराई है ना, मजा आ गया। स्काई ने छक्के मार मार के ना अफ्रीका के छक्के छुड़वा दिए हैं। मैं कहता हूं यार बस कर दो, और कितना करना है बस करो, छोड़ दो, तो और ना मारो बस, काफी इतना ही। और मैं हमेशा से कहता हूं कि T20 क्रिकेट में सूर्या वाला कोई दूसरा आदमी पैदा ही नहीं हुआ है। वजह यह कि देखो यार, एक लड़के ने 4.5-5 महीने में ICC रैंकिंग में पहली पोजीशन ले ली, 4.5-5 महीने क्रिकेट खेल के इंटरनेशनल। साउथ अफ्रीका का अब्बा भी आ जाए तो ये डिफीट नहीं भूलेगा, मतलब उनके घर में आके अब 96 पे ऑल आउट कर रहे हो तो अगले किस तरह जो बर्दाश्त करेंगे, अगले रो रहे हैं बैठ के। ये 55 बॉलों पे 100 और फिर 8 छक्के और 7 चौके, आप उसकी बैटिंग देख रहे हैं, मतलब सिंगल डबल की कोई बात ही नहीं है। क्या मतलब खा के क्या आते हैं, अगली टीम भी खेलने आई है, उनको भी थोड़ी, चलो क्या बंदा कहता है, थोड़ी रिस्पेक्ट दे ले, उनके घर में खेलने गए उस चीज की रिस्पेक्ट दे ले। हेलो फ्रेंड, जय हिंद, आपका स्वागत है क्रिकेट पिलर चैनल पर। पहले सूर्य कुमार यादव आते हैं, सबके छक्के छुड़ा देते हैं, और उसके बाद कुलदीप यादव आते हैं, साउथ अफ्रीका की पूरी वाट लगा देते हैं। जिस तरीके से कल साउथ अफ्रीका को भारत ने 106 रन से हराया, कोई सोच भी नहीं सकता था कि अफ्रीका के घर में घुसकर उन्हें 96 रन पर ऑल आउट कर देगा। और उसकी जो पूरी जिम्मेदारी जाती है वो कुलदीप यादव सूर्य कुमार के नाम पे जाती है, क्योंकि दोनों ने जिस तरीके से खेला, पहले सूर्य कुमार यादव ने 55 बॉल में उन्होंने 100 रन बनाए, और उसके बाद जिस तरीके से देखने को मिली तो उसको लेकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया कुलदीप यादव और सूर्य कुमार यादव की जमकर तारीफ कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का ये रिएक्शन। सूर्य कुमार यादव ने आज भी एक बेहतरीन इनिंग खेली। लाइक पता नहीं कोई 360 डिग्री प्लेयर होता है, तो कोई 720 डिग्री प्लेयर है, यानी वो जैसे जैसे शॉट इन्वेंट कर रहा है ये बंदा। बड़ा जबरदस्त आपने बात की, सूर्य कुमार यादव जो हैं वो आप टॉप बैटर जो हैं ये T20 के, उसके साथ साथ उनको आप ये देखें अधिक कि वो जब आते हैं क्रीज पर, वो विराट कोहली का जिस तरह एग्रेशन और एटीट्यूड होता है ग्राउंड पर आकर, ऑन फील्ड आकर प्रेशर अपने हैंडल करना, सूर्य कुमार यादव को आप देखेंगे जिस तरह उनका पहले दूसरा मैचेस हुए ऊपर से विकेट जा रही थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव आके 50 बना गए, बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेली, स्ट्राइक रेट भी उन्होंने अपना खराब नहीं होने दिया। इसलिए जो है वो सूर्य अभी जो है वो बेहतरीन और टॉप के नंबर वन है इस वक्त वर्ल्ड के। उन्होंने डोमेस्टिक में 233 T20s खेले हुए हैं, इज एक्सपीरियंस, उन्होंने डोमेस्टिक में उसको पॉलिश किया है प्रॉपर्ली, बॉलर कहीं भी बॉल करता है वो कहीं से कहीं अपना शॉट बना लेते हैं, उनके सामने बॉलर को समझ नहीं आता कि वो बॉल डालेंगे किधर, जहां से जो है वो हिट आउट ना करें। अच्छा पता है ये लाला बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज सूर्य कुमार जो उन्होंने बात बताई कि वो इतना फ्लेक्सिबल प्लेयर है, क्या है मुझे नहीं पता, वो हर जगह की बॉल को कहीं पे भी प्लेस कर सकता है। एक बार रिजवान से हमारे हुज़ैफ़ा हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, उन्होंने एक बार ये सवाल पूछा था कि रिजवान आप बहुत लेग साइड के प्लेयर हैं, आपको तो बहुत जल्दी टीमें आप पे होमवर्क, तो रिजवान ने कहा था यार मैं तो ऐसे ही खेलता हूं, और मुझे तो काश हमारे पास वो क्लिप होता, मैं आपको सुनवा भी देता। लेकिन यही फ्लेक्सिबिलिटी रिजवान को अपने गेम में लानी पड़ेगी, अदरवाइज तो कहते ना जी मेरे बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहा हूँ, वो तो पकड़ लेगा, खत्म हो जाएगा करियर उसका अगर यही वाला सिलसिला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी सवेरा ने कही है कि 200-250 मैचेस खेल के उसके बाद वो इंडिया टीम में आया और खेल रहा है। देखिए एक तो ये है कि उस लड़के को अपने गेम का पता है। उसने जितनी भी शॉटें मारता है वो ज्यादातर अच्छी बॉलों पे भी शॉट मार देता है, क्योंकि उस चीज की उसने प्रैक्टिस की है। उसको पता है कि मुझे मैच में ये बॉलें भी आनी है, तो मुझे शॉट जितना आप अपने गेम के अंदर निखार, जितनी स्किल आपके पास होंगी, आप उतने अच्छे इंपैक्ट वाले प्लेयर होंगे, तो आपको तो डेवलप करने पड़ेंगे शॉट। ये तो वो फॉर्मेट है जिसके अंदर उल्टा भी छक्का मारना है, सीधा भी छक्का मारना है, तो जितने आपके पास शॉट्स होंगे उतना रन आपके पास जो है ना वो इजी आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल लाला, कैसा 100 कराया हमने तो पहले ही, हमें तो बम पहले ही फट जाता है हमारे पास कि सूर्या का 100 है, हमने उड़ा दी पहले ही कि सूर्या का 100 है।
तो इसका मतलब ये है कि यार सूर्या जो टाइम सूर्या को चाहिए था वो अब उसको अपनी कप्तानी में मिलने लगा है। मैंने ये अंदाजा लगाया कि उसको कम से कम 4-6 बोले चाहिए होती T20 में भी जहन साजी करने के लिए कि भैया विकेट क्या बिहेव कर रही है और मैंने अपनी टीम को निकालना किस तरह है। इससे पहले सूर्या आते थे 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे इन नंबरों पे इस्तेमाल किए जा रहे थे, मगर अब क्योंकि अब खुद कप्तान है तो इस अपनी कप्तानी में एक तो उन्होंने सीरीज हारने से व्हाइट वॉश होने से बचाई, सीरीज बराबर करी, कामयाब कप्तानी करी, साउथ अफ्रीका में सीरीज भी ड्रॉ कर दी T20 पहला। असल में 30 बॉलें खेलने के बाद सूर्या कुमार ने किसी बैट्समैन के लिए मौका ही फराम नहीं किया कि तू मार ले। उसने जायसवाल के जाने के बाद जिस अंदाज से हिटिंग करी, यानी कि जायसवाल के साथ रहते हुए उसने हिटिंग करी है, जायसवाल वंडरफुल इनिंग, उसको कॉम्प्लीमेंट सूर्या ने किया अपने 100 रन से। और मैं हमेशा से कहता हूं कि T20 क्रिकेट में सूर्या वाला कोई दूसरा आदमी पैदा ही नहीं हुआ है। वजह यह कि देखो यार, एक लड़के ने 4.5-5 महीने में ICC रैंकिंग में पहली पोजीशन ले ली, 4.5-5 महीने क्रिकेट खेल के इंटरनेशनल। जिस तरह की बैटिंग सूर्या कुमार यादव करता है T20 में, सिंगल हैंडेडली 200 हुआ है ये उसकी वजह से। अबे 106 रन से जीते हो जिसमें 100 रन तो सिर्फ सूर्या के हैं। बिगेस्ट एवर विक्ट्री है ये इंडिया की साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 आईज में। वो मेरे घंटे के फैंस ने आज खबर उड़ा दी थी 201 रन बनने के बाद कि 18 ओवर में साउथ अफ्रीका चेस कर रहा है। ये कौन से लोग हैं? मेरे घंटे के फैन भी तो उनकी छत पे है, उनके गार्डन पे रन चेस नहीं हो रहे। ये कुलदीप ही क्यों ले रहा है पांच हर दफा? जब 30 बोले अगर सूर्या कुमार यादव जैसा खिलाड़ी खेल जाए ना तो 100 से कम नहीं होते रन, ये याद रखना। तो 100 रन मारेगा इस तरह, 100 रन से ऊपर की करारी, इसे कहते हैं भाई करारी शिकस्त। T20 में आप कंपेटिटिव साइड को उसके घर में घुसकर हारने के बाद आप 100+ से हराएं, एपिक विक्ट्री, मतलब व्हाट अ फैंटास्टिक। आप देखिए इस जीत में करेक्टर पता चला आपको सूर्या के लड़कों का, पकड़ के घंटा बजा दिया साउथ अफ्रीका का तीसरे T20 मैच में। टीम इंडिया ने, यंग टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका का पकड़ के कसम से घंटा बजा दिया। और किसी का अब्बा है जो 96 पे साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में आके ऑल आउट करे? और साउथ अफ्रीका की कोई थर्ड क्लास टीम या कोई फोर्थ क्लास टीम नहीं है, मेन टीम है उनकी। क्या किया इंडिया ने, क्या किया कुलदीप यादव ने? और कुलदीप यादव को अभी तक क्यों नहीं कोई खेल रहा मेरे घंटे समेत? क्यों नहीं कोई खेल रहा अभी तक कुलदीप यादव को? पहले कुलदीप यादव का तो कुछ कर ले ना, उसको वर्ल्ड कप में कोई खेला था ना, उसको कोई एशिया कप में खेला है और ना उसको कोई आज खेला है। और 5 विकेटें ले गया वो 17 रन दे के 5 विकेट ले गया अगला भाई। इधर हमारे पास पाकिस्तान में नल्ले स्पिनर पाए जाते हैं, हमारे पास इधर स्पिनर ही नहीं है भाई, नल्ले स्पिनर है, बिल्कुल फारक स्पिनर है। साउथ अफ्रीका का अब्बा भी आ जाए तो ये डिफीट नहीं भूलेगा, मतलब उनके घर में आके अब 96 पे ऑल आउट कर रहे हो तो अगले किस तरह जो बर्दाश्त करेंगे? अगले रो रहे हैं बैठ के, ये बेड़ा गर्क कर दिया साउथ अफ्रीका का, बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के साउथ अफ्रीका का पूरे का पूरा, घंटा बजा दिया आपने साउथ अफ्रीका का पकड़ के। साउथ अफ्रीका को पता चल गया कि भाई अब्बू है इंडिया T20 क्रिकेट का भी। आज मतलब एक होता है ना, आप कहते हैं यार होम पे तो टीम जीतती है लेकिन साउथ अफ्रीका में जाके खेलना एक अलग चीज है, लेकिन आज जिस तरह से इंडिया ने बिल्कुल वन साइडेड मारा है साउथ अफ्रीका को, और फिर जिस तरह सूर्या कुमार ने आज मतलब सुपर 100 फ्रॉम सूर्या कुमार यार, मतलब मैं बार बार कहता हूँ कि यार ऐसा इतना इन्वेंटिव और क्रिएटिव प्लेयर मतलब कम से कम T20 में तो आपने नहीं देखा। आई एम सॉरी लेकिन T20 मास्टर है भाई, दादा T20 का ही है, मतलब ये बॉस करता है T20 भाई। आज भी उसने मतलब जिस तरह से आके फिर आज वही हुआ था कि इंडिया की 2 विकेटें जल्दी गिरी थी और कैसे शुभमन गिल तिलक वर्मा के लिए, जिस तरह से आके इसने सूर्या ने संभाला है। एंड यू नो ही प्लेज एट विल, हिज अनकैनी एबिलिटी टू पिक द गैप्स इज समथिंग लाइक यू नो, मतलब बहुत कम बैट्समैनों में ही नजर आती है। और खास करके ये जो अपने ऑफ द हिप्स खेलता है ना यूं करके अच्छी अच्छी गेंद, इसने जो एक अगर आप देखें इसने 13वें ओवर में फलक हुआ को इसने कोई 23 रन या 24 रन मारे जिसमें कोई 3 छक्के और 2 चौके थे, और उसमें से मैं ये नहीं कहूंगा कि बेचारे की कोई बहुत ही बुरी बॉलिंग थी, बस द शॉट्स वर आउट क्लास। सिमिलरली फिर बर्गर जब बॉलिंग कर रहा था तो इसने बर्गर को भी जो है एक ओवर में 14 या 15 रन मारे, उसमें भी मतलब कोई उसने ऐसी बुरी बॉलिंग नहीं की, बट दिस गाइस स्ट्रोक प्ले वाज सो इन्वेंटिव। तो यू नो ही प्लेड अ फैंटास्टिक इनिंग्स टुडे एंड आई थिंक ही हैज लेड द साइड वेल आल्सो, मतलब 100 runs in 56 balls, 178 का स्ट्राइक रेट, 8 छक्के 7 चौके, आई मीन अमेजिंग इनिंग्स फ्रॉम सूर्या कुमार, स्पोर्ट T20 100। लेकिन ही इज द पर्सन अराउंड होम द इंडिया कैन बिल्ड देयर T20 टीम फॉर द फ्यूचर। एंड रिजल्ट मैटर्स, द एंड रिजल्ट वाज दैट इंडिया गॉट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव विन टुडे एंड दे रियली प्लेड वेल। आई मीन जो असल चीज है वो ये है कि दे कैन बैट ऑन एनी सर्फिस, दिस यंग टीम हैज द एबिलिटी टू बैट एंड मतलब परफॉर्म ऑन एनी सर्फिस, दैट्स द मेन थिंग। सूर्या तो है T20 का बादशाह यार, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो गुड विन बाय इंडिया एंड the fact that they beat Australia 4-1 and they have now matlab leveled the series, so it's a very good sign. Aur okay, lekin Kuldeep Yadav again one of my favorite players, 5 wickets for just 17 runs and what a fantastic bowling spell yaar.